Hi guys, welcome back to my channel. This is Muskan Dubey and I create content around fashion, comedy, travel and food vlogs. So yahan pe sabke liye sab kuch milega. And as by the title, you have already guessed that yes, I have spent freaking 22,000 rupees on shopping from Amazon, Nykaa, My Glam, and I am going to show you all those items ki kya mujhe kitne mein mila hai. And I have got around 10 to 11 products और वो सारे आइटम्स मैं आपको दिखाऊंगी. सो मैंने मेकअप, स्किन केयर, टेक से रिलेटेड भी चीज़ें ली हुई हैं, वो भी मैं आपको दिखाने वाली हूँ. सो वेट एंड वॉच दिस वीडियो एंड लेट्स गेट स्टार्टेड. सो फर्स्ट आई विल शो यू ऑल द आइटम्स व्हिच आई हैव गॉट फ्रॉम नायका. तो फर्स्ट आइटम है, काफी सस्ता है, वो है दिस लिपस्टिक व्हिच आई एम वेयरिंग राइट नाउ. ये शेड है इसका एंड दिस इज सो फ्रिकिंग कूल, दिस इज सो अमेजिंग. और खासतौर से ये नॉन ट्रांसफरेबल लिप कलर है और ऑल्सो दिस इज नॉन ट्रांसफरेबल. और इसको मैंने टेस्ट किया हुआ है, सुबह मैंने लगाया था और शाम तक दिस वॉज जैसा मैंने लगाया था वैसा ही था ये. और मैंने खाना वाना भी खाया था, लंच किया था, कुछ इस पर असर नहीं पड़ा, इतना मस्त है ये. सो दिस इज द बेस्ट लिपस्टिक आई हैव एवर बॉट. क्योंकि सेम शेड में मैंने अभी ना मेरे पास पड़ा हुआ है, इसे यहाँ पे पास में ये लैक्मे एब्सोल्यूट मंगाया था, दिस वॉज फॉर 499. और भाई साहब सेम काम करता है, हालांकि दिस हैज़ अ ब्यूटिफुल स्मेल, इसमें बहुत अच्छी खुशबू आती है, बट इसमें वो चीज़ नहीं है, बस एक चीज़ है. सो या दिस इज द लिपस्टिक. द नेक्स्ट आइटम इज अगेन अ लिपस्टिक विच इज द एलिटीन का कलर पॉप मैट वाला एंड दिस इज इन द शेड न्यूड फिक्स. ये वाला ना दिस इज अगेन फॉर 75 rupees और इसका शेड मुझे लगा था शायद और ज़्यादा डार्क होगा, बट दिस इज वॉट इट लुक्स लाइक. लेट मी शो यू, दिस इज वॉट द शेड लुक्स लाइक. और उस पर भी मैंने 3-4 बार इसको ऐसे लगाया है तब जाके ये शेड आया है. इट्स ओके अगर ऐसा आप न्यूड पे लगाते हैं, कैमरे पे तो नहीं रिफ्लेक्ट करता ये बिल्कुल भी. अगर मैंने एक बार कोशिश भी की थी इसको लगा के एक शूट करने का, बट वो पता ही नहीं चल रहा था कुछ लगा हुआ. और न्यूड है तो है, बट स्टिल अभी ये थोड़ा सा और डार्क हो सकता था, मुझे ये वाला शेड उतना पसंद नहीं आया. द नेक्स्ट इज और ये थोड़ा सा ना क्रीमी है, इसमें इट इज़ ट्रांसफरेबल बट मैट नहीं है ये, दिस इज मोर ऑफ अ क्रीमी टेक्सचर. द नेक्स्ट आइटम इज अगेन अ लिपस्टिक विच इज फ्रॉम माई ग्लैम. सॉरी ये बीच में माई ग्लैम का आ गया, बट इट्स ओके. ये वाले लिपस्टिक आई लव, आई डोंट नो व्हाई आई एम डूइंग दैट, बट आई जस्ट लव दिस. दिस इज फ्रॉम माई ग्लैम, दिस वॉज फॉर 395 rupees एंड द शेड इज शो यू. This is what the shade looks like and this is amazing. अभी मैंने इसको सिर्फ एक बार लगाया था टेस्ट करने के लिए. दिस इज सो गुड मैन, इसका फ्रेगरेंस इतना अच्छा है. फ्रेगरेंस बोलेंगे या स्मेल बोलेंगे पता नहीं. और मुझे बड़ा ही अच्छा लगा. इस बार मैंने लिपस्टिक थोड़ी सी ज्यादा खरीद ली है क्योंकि आई एम ऑब्सेस्ड विद लिपस्टिक एंड मुझे अब थोड़ा सा कलेक्शन करना है लिपस्टिक्स का, तो इसलिए मैं खरीद रही हूँ. प्लीज इग्नोर व्हाट आई एम डूइंग राइट नाउ. बट या सो द नेक्स्ट आइटम इज दिस आई लाइनर. दिस लैक्मे का इंस्टा लाइनर वाटर रेजिस्टेंस आई लाइनर. क्योंकि पता है क्या है, इसको आप लगाओ और अभी मैं दिखाऊंगी नहीं वरना मेरा मेकअप खराब हो जाएगा. आप ऐसे टच करो एंड सी दिस इज वॉट हैपन्स. ये तुरंत वापस आने लगता है और मतलब ऐसे टच करने पर भी ना मैं पूरा निकाल रही हूँ, ये आ गया ऐसे. तो इट इज़ नॉट दैट गुड मैं कहूँगी. मैंने बहुत लोगों से इसका रिव्यू देखा था, लोगों ने बोला कि अच्छा है ये है वो है फलाना है ढिमकाना है, लेकिन मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं आया. ये तुरंत ऐसा स्मज प्रूफ भी नहीं है और बेकार है. मतलब बस ये है कि अपने रेट के हिसाब से ठीक है, बाकी कुछ खास नहीं है. और दिस वॉज फॉर 130 rupees एंड आई थिंक मुझे 117 या समथिंग का मिला था. एंड इसी में का बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होने की वजह से मैंने ब्लू कलर भी ले लिया. इसका भी सेम हाल है, मतलब वाटर रेजिस्टेंस तो छोड़ ही दो, वो तो दूर की बात है, वो तो ऐसा काले काले आंसू निकलने लगेंगे वाटर पड़ा तो, बाकी ऐसा हाथ से भी लगता है तो गया काम से. कलर पिक्चर में था ना इसका, वो कलर तो ये बिल्कुल भी नहीं है. वो कलर बहुत डार्क ब्लू था, वो ज़्यादा अच्छा लग रहा था, बट वेन इट केम और ये मैंने इसको लगाया, लगाने के बाद ठीक ही लगता है पर उतना मज़ेदार नहीं है. मैं श्योर यू और इसका स्ट्रोक दिस इज वॉट इट लुक्स लाइक.
I'm not happy with the color. I'm not at all happy with the color. This is what it looks like. Wow, मैंने हाथ पे भी eyeliner लगा लिया है. Great. Great मुस्कान दुबे. ये है दूसरा color से I'm not satisfied. The next is again makeup item. Is this one, which is the Fit Me Matte Poreless Compact Powder with SPF 28, and the shade I'm telling you, the shade is called Light Ivory, I guess. हाँ, मेरा ये shade है. Yes, Light Ivory 109. This is what it looks like. So the next item is something which I am obsessed with. I mean, अभी तक मैंने जितने भी foundation use किए हैं उनमें से this is one which is like बेस्ट फॉर मी. ये बहुत अच्छा है एंड दिस इज द फिट मी फाउंडेशन, मेबली न्यूयॉर्क फिट मी फाउंडेशन इन द शेड 235 बीज. ये मेरा शेड है और इसके पहले वाला बॉटल मेरा खत्म हो गया था, सो आई हैड टू ऑर्डर इट. एंड मैं अब स्विच नहीं कर सकती, पता नहीं कब तक, जब तक मुझे कोई और अच्छा, इससे अच्छा फाउंडेशन नहीं मिल जाता. एंड दिस इज द बेस्ट फाउंडेशन अभी तक का जो भी मैंने यूज़ किया है. सो या दिस इज समथिंग विच आई एम गोइंग टू बाय अगेन एंड अगेन अगेन अगेन. So yeah, this was for, I got it, this was for 500 rupees, but I got it for 412 rupees something. So yeah, this is a good purchase. And the next item is this, the Gillette Venus Razor. This is the purple one, which has gel bars with avocado oil for guide and freesia scent. So yeah, मेरे पास अभी इससे पहले I was using blue वाला, the aloe vera one वाला, तो वो I thought कि ये वाला try करते हैं. मुझे चाहिए तो था वो mini वाला, but ठीक है, अपन लोग थोड़े गरीब हैं तो वो थोड़ा महंगा पड़ रहा था, budget से ज़्यादा जा रहा था, तो मैंने कहा ठीक है यार ये वाला ही अभी try करते हैं, क्योंकि ये भी मैंने try नहीं किया था. And मैंने इसके reviews देखे, काफ़ी अच्छे हैं, तो yeah, I had to try this. And yeah, this is one item which was very necessary, which cannot be necessary for a lot of you. So yeah, but yeah, trust me, this is amazing. This is great. And this was for 325 rupees, but I got it for 306 rupees. तो सेल में थोड़ा सा फ़ायदा हो जाता है. और मेरे पास ब्लू वाला भी है, तो उसके लिए आई गॉट टू रिफिल्स, विच इज़ यू नो लाइक विच यू कैन अटैच टू दिस वन ऑल्सो. एंड दिस हैज़, लेट मी शो यू what's inside. It comes with this handle. And with this you get this blade also. और ये बहुत ज़्यादा दिनों तक भी जाता है, तो you don't have to worry about कि कितने जल्दी से तुम्हें blade लेना पड़ेगा, क्योंकि काफ़ी time तक चल जाता है. मतलब मेरा तो काफ़ी time तक चल जाता है, depending upon the growth of your hair. Okay, so yeah, this is useful for any part of your body. You can use, I don't use it on my face, but yeah, do you know, test before you use it. ये मैं बोलूँगी आपको. बट इफ़ यू वॉन्ट एनी ऑफ दिस आइटम्स, तो मैं आपको डायरेक्ट लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, यू कैन गो एंड चेक इट आउट फ्रॉम देयर, और यू कैन बाय इफ यू वॉन्ट. नाउ द नेक्स्ट आइटम इज समथिंग जो मुझे बहुत ज़्यादा टाइम से चाहिए था, मैं ढूंढ रही थी, विच इज़ दिस मेकअप बैग, मेकअप पाउच कह लो, या जो भी तुम्हें रखना है वो रख लो, बट मैं तो इसे मेकअप के पर्पज़ से ही लेकर आई हूँ. इसमें तीन बॉक्सेज आते हैं, सो यू गेट थ्री पाउच लाइक दीज. एंड या दिस इज सो बेनिफिशियल, यू कैन पुट वट एवर यू फील लाइक. एंड ये ट्रेवल एसेंशियल्स भी रख सकते हो, अपने ट्रेवलिंग किट भी बना सकते हो, उसमें मेडिकल किट भी बना सकते हो ट्रेवल करते वक्त. सो यू कैन यूज़ दिस फॉर एनी थिंग यू वॉन्ट. दिस इज सो यूजफुल for anyone and everyone. So and carry it anywhere you want. So yeah, this is the bigger size, this is the medium wala size, and then you have this small packet. So yeah, this is the great thing. मैं तो इसको पता नहीं कैसे कैसे use करने वाली, बहुत सारी चीज़ें मैं इसमें बनने वाली हूँ, makeup for sure. बाकी रेस्ट लेट्स सी मैं इसको कहाँ कहाँ यूज़ करती हूँ. Now the next item is something which has changed my life. क्योंकि पहले आई हैड टू वेट फॉर समवन टू क्लिक माय पिक्चर्स, बट नाउ व्हेन आई बॉट दिस ब्लूटूथ बटन, दिस इज़ अ रेवोल्यूशन. आई एम टेलिंग यू, दिस इज़ अ रेवोल्यूशन. दिस इज़ समथिंग, दिस इन्वेंशन इज समथिंग विच वॉज नेसेसरी. इतना यूजफुल है ये मेरे लिए और उन सभी लोगों के लिए जिनको पिक्चर्स क्लिक करना बहुत ज़्यादा पसंद है, बट उनके पास कोई है नहीं पिक्चर क्लिक करने के लिए. तो यू कैन पुट योर फोन ऑन ट्राइपॉड, अपना फोन का ब्लूटूथ ऑन करो, और यहाँ से दिस बटन यू हैव टू यू नो ऑन करना पड़ेगा. और यहाँ से जब भी बटन ऑन करोगे तो यहाँ पे लाइट ब्लिंक करने लगी, यानी कि ब्लूटूथ ऑन हो गया, फोन से कनेक्ट करना है. और जैसे आप यूजुअल ब्लूटूथ या फिर अपना कोई भी डिवाइस अपने फोन से कनेक्ट करते हो ना, वैसे ही ये भी ब्लूटूथ कनेक्ट करना है. एंड देन यू कैन क्लिक योर पिक्चर्स लाइक दिस, एक क्लिक से आपकी पिक्चर्स क्लिक होने वाली है. ये दोनों फोन के लिए कंपेटेबल है, iOS के लिए भी और एंड्रॉइड्स के लिए भी. पहले क्या होता था ना कि फोन में लगाया, फिर टाइमर पे लगाया, उसको टाइमर पे ऐसा लगा के फिर मैं खड़ी हूँ कि फोन क्लिक हो जाए पिक्चर.
एंड देन आई हैव टू गो एंड चेक, देन पता लगा कि मिल गई है या मांगते मांगते, तो बड़ी प्रॉब्लम होती थी, बट दिस इज द बेस्ट थिंग ऑफ दिस वर्ल्ड आई गेस. ये जरूरी है, अगर आपको भी ऐसे पिक्चर्स लेंगे यू कैन गेट इट, एंड दिस वाज फॉर 200 रुपीज. इस पूरे हॉल में मैंने वो सारी ही चीज़ें खरीदी हैं जिसकी मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, तो मैंने फालतू का कोई खर्चा नहीं किया है. बट हाँ, ऐसा भी हो सकता है ये सारी चीज़ें आप लोगों के लिए यूज़फुल ना हो, और आप लोगों में से कुछ लोगों के लिए ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा यूज़फुल हो. तो सब कुछ सबके लिए सब कुछ मिलता ही है, तो बस ठीक है. सो दिस इज समथिंग विच आई वॉन्टेड फॉर सो लॉन्ग, और ये मैंने खरीदा है बहुत ज़्यादा पैसे बर्बाद करने के बाद, क्योंकि इससे पहले मैंने 2-3 बार और ये मिनी ट्राइपॉड्स खरीदे थे एंड वो हमेशा फेल ही रहा है मेरे लिए, क्योंकि एक बार मैंने खरीदा था तो वो भी उतना अच्छा नहीं था, सेकेंड टाइम मैंने खरीदा तो वो हफ्ते भर के अंदर ही टूट गया. तो या इट वॉज नॉट गुड मेरे लिए जितनी बार भी मैंने खरीदा, तो ये मेरा शायद तीसरा या चौथा ट्राइपॉड है. बट ये वाला मुझे सस्ते में मिल गया और शायद बहुत अच्छा है, क्योंकि इससे पहले जो मैंने लिए थे ना 2-3 जो मैं यूज़ कर चुकी हूँ, वो सस्ते तो मिले थे, 150-200 रुपये में मिल जाते थे, लेकिन मत लेना, बहुत ही बेकार होते, टूट जाते हैं, और यू कैन नॉट ट्रस्ट देम कि आपका आधा वीडियो शूट हुआ है और आधे में ही वो पैन हो जाएगा. तो इसके साथ ये मिलता है आपको हैंडल, एंड दिस इज कॉल्ड द डिजिटेक पोर्टेबल मिनी ट्राइपॉड विथ 3 लेग बेस. इट कम्स विद द ब्रांडिंग डिजिटेक का, और अभी अगर इसको फोल्डेड है तो इसका ये हाइट है, दिस इज द हाइट, एंड आप इसको ऐसे करके स्टैंड भी कर सकते हो, एंड देन इसका लेग्स और भी बड़े हो सकते हैं और वाइड हो सकते हैं. तो या दिस इज द हाइट इफ यू ओपन ऑल दीज 3 लेग्स, तो ये हाइट हो जाएगी इसकी. इसके साथ ये हैंडल आता है. कैमरा अगर आपको इस पर लगाना है तो आप डायरेक्ट यहाँ पर कैमरा अपने लगा सकते हो, बट इफ़ यू वॉन्ट टू एड योर फोन टू दिस तो आपको ये वाला यहाँ पर ऐसे कनेक्ट करना पड़ेगा. यू कैन कनेक्ट इट लाइक दिस, और या तो आप ऐसे कर सकते हो, तो भी ये ऐसा कर. ऑल्सो भाई बहुत मस्त है ये, मैं आपको बता रही हूँ, अगर यू आर इन टू फोटोग्राफी और यू नो वीडियोग्राफी या फिर ब्लॉगिंग, तो यू शुड परचेज दिस. एंड अभी ऐसा हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों टाइप की वीडियोस आपकी शूट हो जाएंगी, तो IGTV हो, रील्स हो, इंस्टा फीड के लिए हो, यूट्यूब के लिए हो, किसी के लिए भी हो, दिस इज़ द बेस्ट परफेक्ट, जो भी कह सकते हो कह लो, बाय इट इफ यू वॉन्ट. प्राइस मैंने बताया नहीं, आई थिंक प्राइस है इसका, प्राइस वॉज 499 रुपीज़, दिस वॉज समथिंग 500 रुपीज़, बट आई गॉट इट फॉर 400 रुपीज़ ऑन सेल. तो बेस्ट है ब्रो, ले लेने का इसको, अगर तुमको चाहिए रहेगा तो ले लो, और टेल मी हाउ इट वॉज, क्योंकि मैं सारे लिंक्स दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, अगर तुम्हें परचेज करना है तो यू कैन चेक इट आउट फ्रॉम देयर एंड परचेज इट. नाउ दिस वॉज द बेस्ट बाय. नाउ कम सो द नेक्स्ट एंड द लास्ट आइटम इज समथिंग विच आई वॉन्टेड फॉर सो लॉन्ग, क्योंकि उसकी वजह से मेरा काम इफेक्ट हो रहा था कहीं ना कहीं, और उसको लेने के लिए ना मुझे बहुत ज़्यादा रिसर्च करनी पड़ी, बहुत सारे रिव्यू वीडियोस देखने पड़े, क्योंकि मेरा एक बजट सेट था कि उस बजट के अंदर ही मुझे वो चीज़ लेनी है, उससे ज़्यादा मैं स्पेंड नहीं कर सकती, क्योंकि ऑब्वियसली अभी आई कैन नॉट स्पेंड दैट मच मनी. तो बस उसी की वजह से मुझे थोड़ा टाइम देना पड़ा, एंड देन आई फाइनलाइज माई आइटम कि मुझे कौन सा वाला लेना है, विच इज़ अ फोन. तो मैंने लिया है एक सैमसंग M31S फ़ोन. इसके पहले मैं यूज़ कर रही थी ओप्पो, एंड दिस इज़ द फर्स्ट वीडियो आई एम शूटिंग ऑन दिस फोन. मैं फ़ोन नहीं दिखा सकती, मैं फ़ोन एक पिक्चर लेके फ़ोन का दिखा दूंगी और उसका मॉडल दिखा दूंगी आपको. जो इसका बैक साइड है वो ओम्ब्रे इफेक्ट है, द कलर इज़ अमेजिंग, क्योंकि वो 2 शेड में कलर है, ऐसा किसी अभी ज़्यादातर फ़ोन में मैंने देखा नहीं, और इसका कैमरा भी ज़्यादा अच्छा है इन कंपेरिजन टू ओप्पो वाला. ऑब्वियसली थोड़ा सा तो अपग्रेड किया ही है मैंने, तो यू कैन सी द डिफरेंस इन माई वीडियोज़ फ्रॉम नाउ, क्योंकि ये वाली वीडियो भी पहली वीडियो है, तो यू कैन आप देख ही पा रहे होंगे कि डिफरेंस है इस वीडियो में. सो या दिस वॉज द मोस्ट एक्सपेंसिव आइटम फ्रॉम दिस हॉल, एंड दिस वॉज फॉर 23,000 रुपीज़, बट ये मैंने ना सेल के बाद लिया, दिवाली पे जब सेल चल रही थी तो मुझे ले लेना चाहिए था, बट उस टाइम पे मैंने चेक नहीं किया कि ऐसा कोई फ़ोन है, एंड ऑल्सो दिस फोन इज़ नॉट एट ऑल अवेलेबल इन टू स्टोर्स, यहाँ पे ऑफलाइन स्टोर्स में कहीं पे भी ये फ़ोन भी अवेलेबल नहीं है, ये कभी सिर्फ ऑनलाइन ही मिल रहा है, अभी मैंने कई जगह पता किया बट नहीं मिल रहा है स्टोर्स पे. तो अगर आपको चाहिए तो आप
ऑनलाइन ले सकते हो इसको, और मैं लिंक नीचे डायरेक्ट लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में, वो आप ले सकते हो। सो द एमआरपी ऑफ दिस फोन इज 22,999 रुपीज, बट मुझे ये मिला था 19,499 रुपीज का आफ्टर सम लिटिल बिट ऑफ डिस्काउंट। लेकिन अभी इस फोन का प्राइस मैंने चेक किया था अमेजोन पे, वो अभी इस टाइम पे चल रहा है 19,499 रुपीज, जो कि आपको और भी सस्ते में पड़ेगा अगर आप HDFC या फिर SBI का क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड जो भी है उसमें वो यूज़ करते हो, तो 10% उस पर डिस्काउंट मिलेगा एंड देन यू गेट 1,000 का कैशबैक। तो मुझे 1,000 का कैशबैक मुझे तो मिला था, तो यू विल ऑल्सो गेट। तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, अगर इफ़ यू वॉन्ट टू बाय अ फोन एंड अ गुड कैमरा फोन एंड ऑल्सो समथिंग विच हैज़ गुड प्रोसेसर एंड बस ऑन एंड ऑल की एक एवरेज प्राइस में आपको एक अच्छा फोन मिल जाए, तो दिस इज द बेस्ट फोन आई थिंक। एंड या सो दिस इज द हॉल। ऑल्सो जैसे आईफोन वालों ने चार्जर देना बंद कर दिया है, वैसे ईयरफोन्स में ईयरफोन नहीं मिल रहा है, तो दिस इज अ बैड थिंग। चार्जर मुझे मिला है लेकिन ईयरफोन नहीं मिला, बट दैट्स ओके, सह लेंगे थोड़ा सा। बाकी दिस इज इट फॉर टुडेज वीडियो एंड टुडेज हॉल एंड या This is the end of a decade and 2020 तो हम सबका पता ही है कि कैसा रहा है, but still we should try to take a lot of positive energy, positive happy moments from 2020 and let's enter 2021 a new era with more power, more energy and more positive vibes and yeah, let's try to make our 2021 a new year, a new starting of a new decade with a lot of goals and try to accomplish those goals because this is what life is. Keep hustling, keep working, keep being productive, try to be consistent because that is what I am trying to do, okay? Because I am not at all consistent. Last 2 hafte se video nahi aayi hai aur main yahan pe bakwas kar rahi hu ki consistent raho, shut up, okay? I am going to be more consistent. Aur mujhe comment karke batao ki tumhare 2021 ke resolution kya hai, बता देना यार। इतना भी सीक्रेट रखने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि कुछ ऐसे रेजोल्यूशंस होंगे जो तुम फॉलो नहीं करने वाले हो इस साल भी, जैसे पिछले 4 सालों से तुम नहीं कर रहे हो, ठीक है। जो मेरे 2 new resolutions होंगे वो हैं बीइंग कंसिस्टेंट एंड ट्राई टू मैनेज टाइम, क्योंकि आई सक एट टाइम मैनेजमेंट। आई ट्राई टू मेक पीपल अराउंड मी हैप्पी एज मच एज आई कैन एंड गिव more and more positivity to you, and I want more and more positivity from you all. So yeah, this will be my resolution for 2021. And also comment करके बताओ कि ये video कैसी लगी है, best product या best item तुमको कौन सा लगा इस video में, और कुछ idea अगर देना चाहते हो ना कि किस type के videos मैं बनाऊँ, या फिर अगर नए साल में या फिर आगे आने वाले time में मैं क्या नया नया try करूँ, तो please बताओ मुझे, मैं वो try करने का कोशिश करूंगी वीडियो में। एंड या आई विल सी यू अगेन इन सम अदर वीडियो, टिल देन प्लीज सब्सक्राइब तक कि माय फैमिली और ज्यादा बड़ी हो जाए, लाइक दिस वीडियो, शेयर एंड शेयर एज मच एज यू कैन एंड आई विल सी यू अगेन इन सम अदर वीडियो, टिल देन बाय।